जय हिंद साथियों, नमस्कार। जैसा आपको पता है, हाँ, जयपुर के अंदर आर्यभट्ट अकेडमी में जो आज होने वाला जो स्कॉलरशिप टेस्ट था, जिसमें कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया है अपनी आंखों से देखेंगे आप। और आप घर बैठे क्या कर रहे हैं, आए क्यों नहीं? चलो, अगर आज नहीं आए तो कोई बात नहीं, कल जब बेस शुरू हो तब आ जाना, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक कैलेंडर जारी हो चुका है और दूसरा भी आने वाला है। तो अपने चलते विजिट कर लेते हैं, आप घर बैठे हैं, मुझे पता है कई साथी हैं जो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं दूर दराज से, तो अपने आज देखते हैं आर्यभट्ट अकेडमी में क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अपने सबसे पहले आते हैं रिसेप्शन पर, मैडम जो है यहाँ पर इंक्वायरीज के लिए बैठी हुई है, उसके बाद अपने देख रहे हैं मनोज सर, विजयपाल सर, राहुल सर, ये कौन सा बातें कर रहे हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों दूसरे रूम के अंदर, जो हमारा फर्स्ट फ्लोर पर है। आइए, मुख्य कैमरामैन मेरे साथ आज पवन और कैलाश जुड़े हुए हैं, ये भी आपसे मिलेंगे, अंत में मिलेंगे, लेकिन पहले अच्छा वीडियो बनाएंगे। ये फर्स्ट फ्लोर कैसे मिल जाएगी, ऑब्जेक्शन बाद में रिट लगाएंगे, रिट नहीं लगाते क्या? फिर एक फसल में कोई हो सकता है तो रिट बाद में लगा देंगे, एक बार करो। दीवारों से तो आसान पेपर है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सो ही है, बस हमने ऐसे सुमेलित किए हैं कि 400 हो जाए, ठीक है, मैं पर्सन 400 बनाए हैं, बाकी को ज्यादा नहीं है। देखो, लाख रुपए अगर आर एस बेच का कोई टॉपर आया तो उसके लाख रुपए फीस माफ होगी, तो पेपर भी तो ऐसा होना चाहिए ना, घबराए नहीं, कोई बात नहीं। देखो, ये मत कहना कि आपने पढ़ाया था उसमें से नहीं आया, आउट ऑफ सिलेबस है। अपन क्या है, तुम्हें क्या कर रहा है, दो एक दम बड़े, अच्छा इनमें ठीक रहे, इसमें लास्ट में लगे रहे यार, है आपको पढ़ाएंगे तो है नहीं, लास्ट वाले आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है। नहीं सर,
आज का जो टेस्ट है वो लगभग संपूर्ण हो चुका है। प्रतिभागी हैं वो एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं टेस्ट के बारे में। साथ ही आप देख सकते हैं विजयपाल सर हैं, आशु सर हैं और जितने भी स्टाफ हैं उनके साथ जो डिस्कस कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, हम जिस जगह पर खड़े हैं वो है गुजर की थड़ी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है मेट्रो लाइन है और इस स्टेशन का नाम आतिश मार्केट है और ये जो जगह है इस जगह का नाम गुजर की थड़ी है। इस जगह से आप इधर की तरफ जाएंगे तो रिद्धि सिद्धि चौराहे पड़ता है। इस चौराहे से आपको सीधे जो है आर्यवर्त अकेडमी की तरफ इधर से आपको चलना है। मैं आपको साथ में लेकर चलता हूँ, आप एक बार पुनः देख लीजिए कि ये जो स्थान है इस तरह से जो है इस तरह यहाँ से इधर से भी आप मेट्रो यहाँ जो है रिद्धि सिद्धि की तरफ जाने के लिए टेम्पो खड़े रहते हैं तो ये जो सड़क जा रही है वो रिद्धि सिद्धि की तरफ जा रही है। लो जी, हम पहुँच चुके हैं आर्यवर्त अकेडमी गुजर की तड़ी से बिल्कुल इस मेप में स्थित है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।